नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज आपसे बात करूंगा तीन मुख्य बातें, मेन पिलर जो आपके मन को बहुत खुश रख सकते हैं और मन के साथ में ये आपके शरीर को भी खुश रखेंगे। आइए चर्चा करते हैं दोस्तों। ऐसी तीन मुख्य क्या बातें हैं जिनको अगर आप हर रोज़ पालन करो, हर रोज़ अगर उनको आप फॉलो करो तो आपका मन बहुत खुश रहेगा, मन में बहुत अच्छे विचार आएंगे, मन में बहुत अच्छी फीलिंग्स आएगी, आपका मन उदास नहीं होगा। किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आपके जीवन में हर रोज़ जो आती रहती है उनसे आप अच्छे से लड़ोगे, उनसे आप घबराओगे नहीं और आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जीवन को जीते हुए बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे। तो आइए हम इनकी चर्चा करते हैं। इसमें सबसे जो मुख्य बात है और जो अपने मन को और अपने शरीर को दोनों पर जो काम करेगी और वो है हर रोज़ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। दोस्तों, एक्सरसाइज के लिए वक्त देना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लाइफ के अंदर हो सकता है ज़्यादातर लोगों का जो काम है वो मेंटल वर्क ज़्यादा है, जिसमें 5 से 7 घंटे या 10 घंटे का वो हर रोज़ दिमागी कार्य करते हैं, बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से जो उनकी जो एक एक्सरसाइज की जो एक रहती है कैपेसिटी वो भी कम हो गई है। तो हर रोज़ अगर एक्सरसाइज करें तो इससे आपका दिमाग बहुत स्वस्थ रहेगा, आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा और आप बहुत खुश रहोगे। दोस्तों, एक्सरसाइज से हमारे अंदर एक एंडोर्फिन नाम का जो एक हार्मोन है वो रिलीज होता है और इसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। अगर आप किसी परेशानी में हो, अगर आपका मन थोड़ा उदास भी है तो आपको ये एकदम से बूस्ट कर देता है, आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग देता है और यही वजह है कि आपको एक्सरसाइज के अंदर 1, 2, 3 या 5 दिन तक थोड़ा सा जोर लगाकर धक्के से उसके अंदर जाना है आपको और उसके बाद में अपने आप एक्सरसाइज आपको खींच लेगी। दूसरी नंबर बात यह है कि एक्सरसाइज से आपके माइंड के अंदर एक BDNF नाम का सब्सटेंस बनता है और BDNF जो है सब्सटेंस, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, यानी कि आपकी जो नर्व सेल्स हैं, आपकी जो दिमागी नाड़ियां हैं उनको अच्छा करने में और उनको स्वस्थ रखने में, उनकी बहुत ही अच्छे से सर्विसिंग करने में ये BDNF बहुत ही अहम योगदान अपना देता है और इस वजह से एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। अगर सुबह के टाइम और शाम के टाइम आप किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, कोई आपका कोई फेवरेट कोई गेम हो वो अगर आप खेलते हो या फिर आप चलते हो, घूमते हो, कुछ भी करते हो तो ये आपको बहुत बेनिफिट देता है। दो नंबर बात जो आती है आपके मन और शरीर को स्वस्थ रखने में, खुश रखने में, और वो आता है आपकी नींद। नींद जो है दोस्तों, हर रोज़ हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग है, हमारी बॉडी इतना ज़्यादा काम करती है कि उसको लगभग 7 से 8 घंटे का रेस्ट चाहिए होता है और इस रेस्ट में वो अपने आप की मरम्मत करती है, ख़ासतौर पर माइंड के लेवल पर, दिमागी के लेवल पर जो माइंड की जो नाड़ियाँ हैं उनकी मरम्मत होती है। अगर आप नींद नहीं लेते हो या नींद बहुत कम लेते हो तो वो मरम्मत नहीं होगी तो वो कुछ टाइम के बाद में आपके अंदर थकान आने लग जाएगी, आपका जो मन है वो उदास होने लग जाएगा और आप एक परेशानी में से आने लग जाओगे, छोटी सी परेशानी आपको बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लग जाएगी। नींद के लिए बहुत सारे टिप्स है, उनमें से कुछ जो 7 से 8 जो कुछ जो मुख्य जो एक रहते हैं टिप्स वो हमारी आगामी वीडियो में आपके दो जो हमारी आगामी वीडियो में आपके पास में आ जाएंगे और उनके लिए आप हमारा ये जो चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी दबा के रखें। और नींद जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लेने के उन टिप्स में से कुछ टिप्स जो अभी आप उपयोग कर रहे हैं वो टिप्स और अच्छे से करें और कुछ नए टिप्स उसमें ऐड करते जाएं ताकि आपकी नींद अगर बहुत अच्छे से होगी, आपका अगर जो टाइम आप अपनी स्लीप को दे रहे हो वो अगर आपका क्वालिटी का अगर वो टाइम होगा तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चलेगी, आपका मन बहुत खुश रहेगा, आपकी बॉडी बहुत खुश रहेगी।
तीसरी नंबर बात, और वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और वो आता है आपका न्यूट्रिशन, आपका खाना। जैसा आप इनपुट दोगे आउटपुट वैसा ही आएगा। तो दोस्तों इसमें आपका सुबह का, दोपहर का, शाम का जो भी आपका खाना है उसको आप और अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके खाने की एक प्रॉपर ढंग से रेगुलरिटीज़ नहीं है तो उसको आप मेंटेन कीजिए। खाने के अंदर आप वेजिटेबल्स ले सकते हो, आप सैलेड्स ले सकते हो, आपके खाने के अंदर एक प्रोटीन की जो है मात्रा वो भी जैसे उसमें हो, और साथ में एक संतुलित एक खाना हो। तो इस प्रकार से अगर आप अपने खाने को बहुत अच्छे से मैनेज करो, आपका जो न्यूट्रिशन है बहुत अच्छे से रहे, आपकी नींद बहुत अच्छे से रहे, और आपकी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से रहे, तो ये जो तीन जो बातें हैं, ये जो तीन पिलर है, ये आपके मन को बहुत खुश रखेगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, आप अपने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करोगे, बहुत ही तरक्की करोगे, और बहुत खुश होकर अपने जीवन को जियोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो इसको आप लाइक बटन दबाकर मुझ तक पहुँचाइए अपनी बात। आपकी कोई भी सवाल है, जवाब है, कोई भी आपकी समस्या है, तो आप मुझे वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा कर रखें, और मिलते हैं आगामी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।